और जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने सेना में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के बयान से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि इस पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हमारी पार्टी कभी सेना का मनोबल नहीं तोड़ती, सेना के जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सैन्य पुरुषार्थ पे कोई आवाज उठाए संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। इतिहास गवाह है कि देश के सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर विभाजनकारी रेखा कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा सार्वजनिक अंतर विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं, लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति। और बीबीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग ने सर्वे जारी किया है। दिल्ली स्थित कार्यालय में सभी कर्मचारियों को फोन जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों में से दफ्तर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। सर्वे की जानकारी लंदन स्थित बीबीसी कार्यालय को दी गई है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे बैन से जोड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पे आईटी का सर्वे किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि अभी जहां जेपीसी की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।